चार नंबर का वहां तुम्हें अरे कुर्सी बाहर लग रहा उठा के बहुत आदमी है कुर्सी रख लो हमारा कुर्सी रख लो अंदर कोई लेके चले जाएगा ले लो छोड़ दे कोई ना अच्छा हम ले लेंगे बाद में थोड़ी देर बाद अरे थोड़ा पार्टी तो चाहिए जो बोलना है बोलो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओं विश्वानि देव सवित दुरितानि प्रासयेत् भद्रं तन्नासु त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमे वंदनां मृत्युर्मोक्षे मामृतात् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर 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 महादेव थैंक यू सो मच जी है थैंक यू सो मच तेजस्विनी तेज का कोई विशेष कारण योग प्राणायाम मुझे ऐसा लगता है कि मैं सदैव कहा करता हूँ योग प्राणायाम करते रहिए और किसका वजह मस्त रहा करें हर हाल में इसकी वजह अरे बहुत डिटेल में नहीं, नहीं, बोला किसका फोन बजा किसका पता नहीं आजकल तो किस किस की बजती रहती है हाँ हम सभी जीवन में कई नई सोच नई सोच और नया विचार बहुत अच्छा लगा मैं जो शुरू में जो पढ़ा वो
वही नई सोच और नया विचार है। और मेरा ये सोचना है कि जो हंसते रहे, मस्त रहा करें, व्यस्त रहें, और हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में ऊपर वाले ने दी है उसका सदैव धन्यवाद देते रहें, शुक्रिया अदा करते रहें। और गणेश उत्सव के आज के इस बहुत ही शुभ कृपा के देवता, रिद्धि सिद्धि के देवता, प्रथम पूजन के देवता, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने जो घर परिवार में आपके जो माता पिता हैं, आप ये समझें कि प्रथम पूजन के ये कारक हो गए। वजह यह है कि वो माता पिता की जो सम्मान किया वो सदैव आप लोग जो है माँ बाप के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। आप मुझे पूछ रहे थे कि क्या कारण है, तो मुझे ऐसा लगता है कि माता माता ही वो सर्वत्र मात्र देव भव, जो माँ बाप का आशीर्वाद है, जो कृपा है, उसी वजह से जो है सर, एक अच्छे हाँ जी। बहुत सारे लोग पंडाल जाते हैं, पंडाल हॉपिंग करते हैं, ना आप सर के साथ जाते हैं पंडाल हॉपिंग करते हैं क्या आज भी? यहाँ घर परिवार में पूजा हो रही होती है तो फिर इधर उधर शायद ही, और कहीं खास ऐसी जगह हो जहाँ पे किसी ने कहा हो कि आप आइए तो हम लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली। हाँ वो पर इंटरव्यू का हिस्सा कैसे हो सकती है उसका, उस पर अभी चर्चा तो नहीं हो जी। नॉट एट ऑल, वी ऑलवेज हमेशा पापा जाते हैं, इट्स अ रिचुअल कि पापा गोज ही गेट्स द गणपति जी का मूर्ति, एंड ऐसा हम लोग कभी स्पेसिफिकली ऐसा लाना, इट शुड बी ब्यूटीफुल एंड इट शुड बी नाइस। एंड सुनीता जी से पूछा जाता है, पहले उन्हें ही पूछा जाता है कि क्या किया जाए, जो सही लगा करता है वो वही किया करते हैं। और ख़ास तौर पे आज का ये जो जो तारीख है और इस तारीख पे ये जो नौवा महीना है, ये बहुत ही कृपा का समय है। और वही प्रार्थना की है, और वो शुरू में ही मैं कह दिया कि वो जो प्रार्थना की है वो, तो उस पर बहुत ज़्यादा विशेष अभी चर्चा नहीं होगी। आप लोग कृपया आए हैं, प्रसाद ग्रहण कीजिए। हाँ बहुत साल मम्मी की तरफ से ये घर परिवार में ये जो शुरू हुआ था पूजा, और वहीं से है। और ख़ास वजह ये थॉट ही यही था कि जो माँ बाप की सेवा करते हैं और किसी न किसी रूप से आप समाज के साथ जुड़े रहें, जो चाहे जो जाति के हों, चाहे जो समाज के जो हिस्से से हों, वो आपके साथ दुआओं के या पूजा के किसी न किसी माध्यम से साथ में जुड़े रहे, तो ये बहुत अच्छा एक प्रयोजन है और शुभ है। अभी उस पर चर्चा नहीं होगी भैया, आप अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। थैंक यू सो मच आप लोग, थैंक यू सो मच। गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।